दादी, दादी कहाँ गई? गंगा, गंगा, गंगा उठना, गंगा तो उठ गई। ये क्या है? गंगा की जगह ये सब? गंगा कहाँ है? दादी इतनी रात को दोनों कहाँ जा सकते हैं? पहले कमरे में लिटा इसे। गंगा, शालिग्राम जी, अब इसे क्या बताऊं? क्या हुआ था? सुनो, सुनिए प्लीज, आप मुझे बताइए बात क्या है? आपने कहा था गंगा अंदर रूम में सो रही है, फिर आप उसे बाहर कहां से लेकर आ रही थी? गंगा की हालत देखी है, उसे चोट आई है इतनी सारी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, बताइए। मैं तुझे बताना नहीं चाह रही थी लल्ला, लेकिन अब तूने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बताना नहीं चाह रही थी क्यों? ऐसे क्या आप छुपा रही है मुझसे? की हालत देख के तो हैरान है ना? हाँ? मैं भी ऐसी हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला था कि गंगा को नींद में चलने की बीमारी है। हाँ लल्ला, किसी को नहीं पता, छोटे से मेरे कमरे में सोती थी ना, पाल पोस के मेरे, इसलिए मुझे ही पता है और किसी को नहीं पता। अब तुझे पता लग गया है तो इसका मतलब क्या? वो इस तरह हर रोज? नहीं नहीं, वो उसकी ये आजकल तो वैसे बहुत कम हो गया है, इसीलिए मैं हमेशा दरवाजे की कड़ी लगा देती थी, हमेशा एक आग रखती थी। आज जाने क्या हो गया, नींद लग गई है। क्या बताऊँ तुझे, और पता है ऐसे में वो अजीब अजीब सपने भी देखा करती है, जिसके बारे में उसने मुझे कई बार बताया है। ये आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसे डॉक्टर के पास ले जाते, उसे शायद मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मैंने बैंच जी को इसके बारे में बताया था, उन्होंने कहा चिंता वाली कोई बात नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, ये बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। और उन्होंने मुझे एक पाउडर वाली दवा भी दी, जो चुपचाप से मैं मिला के उसे खिलाती रहती हूँ। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। Hey, look! Hey, look! Hey!
इस अशुभ के वार करने में कोई बरदानगी नहीं है।